शहीदों की स्मृति में जो यज्ञ करने का सिलसिला चल रहा है जी, ये कब से चल रहा है? ये 2003 से ये कार्य जो है शुरू किया था, और जम्मू कश्मीर की जो पवन धरती है, जो सूर्यपुत्री तवी जिसका नाम है तविशी, उसके मध्य में वहाँ पे ये शुभारंभ किया था, और आज 13 वर्ष हो गए हैं इस तरीके से इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। 25वां महायज्ञ है ये भारत के अमरवीर शहीदों की स्मृति में, जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर हैं, जो आर्मी के हमारे, हमने कोशिश की है सारे जितने बॉर्डर हैं, बॉर्डर के एरिया में सारे हर जगह जगह पे यज्ञ किए। और जो आपने सुना होगा कि कारगिल में जो युद्ध हुआ था द्रास सेक्टर में, वहाँ पे भी ये यज्ञ हुआ है, अति विष्णु महायज्ञ, और शहीद फैमिलियाँ हमारे साथ थी, 750 ब्राह्मण पंडित विद्वान हमारे साथ थे, ये यज्ञ उस जगह पे जाकर के करवाया, जहाँ पे टोलोरिंग पहाड़ के नीचे जहाँ बोफोर्स तोफें वहाँ पे खड़ी की जाती थी, वहाँ पे यज्ञशाला बनी, और वहाँ पर वेद मंत्रों के द्वारा जो है एक टाइम पे जब वहाँ पे युद्ध हुआ तो दूसरे टाइम पे फिर यज्ञ हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात है। स्मृति में ये करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा है, हमारी फैमिली, हम जो हैं एक तो आर्मी फैमिली से हैं, हमारे पिताजी भी आर्मी में थे, भाई साहब हमारे आर्मी में, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे हमारे सज्जन भाई दोस्त इष्ट मित्र, और फिर एक तो ये कारण भी हो सकता है, और दूसरा देशभक्ति देश प्रेम ये भी झकझोरता है कि भाई हमारे देश के नौजवान जो अपने देश के खातिर शहादत देते हैं, अपने आप देखते हैं सुनते हैं कि किसी ने भूमि दान की, किसी ने वस्त्र दान किए, कोई धन देता है, कोई जो है अन्न दान करता है, लेकिन प्राण दान किसने किए हैं, ये तो हमारे देश का अमरवीर जो शहीद हुआ है वही साबित करता है कि देश के लिए मैंने अपने प्राण के जो है आहुतियाँ दी, शहादत दी। तो देश के जो और हम जितने लोग हैं, सभी देशवासी, सभी को चाहिए कि उनको नमस्कार करें, उनको याद रखें, हमेशा अपनी यादगार बना करके रखें। बस उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा हम लोग ये अति विष्णु महायज्ञ करते हैं, भगवान विष्णु की आहुतियाँ इसमें देते हैं, 225,000 आहुतियाँ पड़ती हैं, और इसी यज्ञ के माध्यम से कि देश के अमरवीर शहीदों को ये इसका फल प्राप्त हो। आप फौज में जाने के बाद सन्यासी कैसे बन गए? मैं फौज में ही हूँ, आज भी आप चारों तरफ देखोगे तो मैं फौज में ही हूँ, मैं कहाँ सन्यासी, मैं तो फौज ही हूँ, सन्यासी कहाँ, सन्यासी जब बनेंगे, जब लास्ट जब वो होगा ना सन्यासी, तो उसी टाइम बना जाएगा कि जब सारे काम धंधे छूट जाए, अब सन्यास धारण कर सकते हैं, अभी तो काम बहुत बाकी है। तो मेरा मन करता है, मुझे तसल्ली है, मुझे खुशी भी है कि मुझे कोई कारण मिला, मैं चाहता भी हूँ कि मेरे मन में था पहले से और अभी भी है कि वास्तव में कुछ करूँ, तो मुझे अब तसल्ली है, मुझे लगता है कि भगवान ने एक धर्म के साथ साथ देशभक्ति का भी इस तरीके से जो एक रास्ता मेरे को प्रेरित हुआ, मैं उसमें भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे साधु संतों का भी बहुत बहुत नमस्कार करके मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ बहुत बहुत कि मेरे को साधु संतों महात्माओं की कृपा से और आशीर्वाद से ये कार्य जो है मिला है। आज कितने कुंड बनाए हैं अपन ने यहाँ पे, और इसमें कितनी आहुतियाँ होंगी पूरे महीने भर जो है? इसमें 100 हवन कुंड बने हुए हैं, और आहुतियाँ तो जैसे हमने बोला कि अति विष्णु महायज्ञ में 225,000 आहुति होती है, लेकिन इसमें और अधिक हो जाएगी, क्योंकि जितने लोग बैठते हैं उसी के अनुसार आहुतियाँ गिनी जाती हैं, तो एक महीने का भी है, तो इसीलिए 9 दिन में 225,000 पूरी करते हैं हम लोग, तो मेरे को लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये भी अच्छा है, शुभ है। देश को और देशवासियों को सिंहस्थ भगवान महाकाल की पावन धरा है, अवंतिकापुरी है, उज्जैन है, सिंहस्थ है, ये कहते हैं कि 12 वर्ष के बाद इस प्रकार का योग बनता है, तो बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो यहाँ के वासी हैं, और वो भी बड़े भागी हैं जो यहाँ पे आए दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, साधु संत महात्माओं के प्रवचन सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और ये अनायास हो रहा है, नहीं तो जगह जगह से भारत के कोने कोने से देश विदेश से साधु संत महात्मा पीर फकीर सभी आ रहे हैं, और यहाँ के लोग सभी जगह नहीं पहुँच सकते, लेकिन साधु संत महात्मा कृपा करके यहाँ पे पहुँचे आए, तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग दर्शन करें संतों का और उनकी अनमोल वचन सुने, और अपने आप को उनके जो इस प्रकार के जो अमृतमय वचन जो हैं, जो हमारे जीवन में हमारा जीवन परिवर्तन करें, हमारे को इस लोक के साथ साथ हमारा परलोक भी संवरे, उसको जरूर अनुसरण करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। सैन्य परिवारों के लोग भी शामिल होंगे यज्ञ में? हाँ जी, इसमें करीब करीब 400 से ज़्यादा फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, और वो सभी शामिल होंगे, हवन करते हैं, और हमारे ठाकुर जी के इस यज्ञ में अति विष्णु महायज्ञ में करीब करीब सभी
जहाँ जहाँ यज्ञ हुए हैं ये 25वां है, सभी जो फैमिलियाँ हैं परिवार हैं ये सभी आते हैं और सभी शामिल होते हैं। धर्म को तो धर्म तो अपने में किसी भी पर्चे का मोहताज नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि धर्म के समझाने के लिए कोई पर्चे देना पड़ेगा। धर्म अपने में परिपूर्ण है और सर्वगुण संपन्न है, अपूर्ण रूप से निर्दोष है। बस मैं यही कहूँगा कि आपस में भाईचारा बना के रखें, चाहे वो कोई भी हो, हम चाहे किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी, किसी भी मजहब की निंदा नहीं करनी, बस अपने अपने धर्म में रह के अपने अपने धर्म की रक्षा करो। बस इस तरीके से मैं यही कहूँगा, कोई धर्म किसी का भी निंदनीय नहीं होता है, किसी का मजहब कोई निंदनीय नहीं है, सभी का धर्म जो है पूजनीय है। बस अपने अपने धर्म की पूजा आप करते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिए और कर्तव्य का पालन करिए तो आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। लेकिन इस आजकल समाज में या देश में दिखाई दे नहीं रहा है ऐसा। वो फिर ऐसा है कि कुछ कुछ जगहों पे कुछ ऐसा होता है कि कुछ विडंबनाएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ विचारों में सहमतियां नहीं है, ऐसा है। लेकिन आप कभी कई बार देखेंगे कि सभी एक साथ कई समय पे कई जगहों पे एक साथ होते हैं, ऐसा होता है। ऐसा है कभी अपने घर में ही परिवार में हमारा भाई छोटा या बड़ा, कभी कभी कई बार ऐसे बातों में सहमति नहीं होती तो रूठ भी जाते हैं, और कोई कुछ भी नहीं है, बस यही है। कोई किसी का गिला शिकवा नहीं है, बस सब लोगों में यही है, कोई ना कोई बात को लेके कोई ना कोई ऐसी हो जाती है कि कोई रूठ जाता है, बात नहीं मानता, फिर बाद में सब एक हो जाते हैं, ऐसा ही है। और मैं फिर कहूँगा, कोई धर्म की कोई मजहब की किसी ने भी निंदा नहीं करनी, सबके धर्म पूजनीय हैं, सबका मजहब पूजनीय है, बस अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने कर्म को करो, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने कर्म को करो। बस कभी ये मत कहो कि वो खराब वो खराब वो खराब, ये क्यों नहीं कहते हो मैं सही मैं सही मैं सही, ये बोलो ना, ये बोलो ना, अगर बोलना ही चाहते हो तो। उसको खराब बोल के अपने आप को सही साबित करना चाहते हो तो करो ना अपने आप को साबित, वो खराब क्यों बोलना है। अपने धर्म का जो पेड़ है उसे मजबूत करो और उसे पकड़ के बैठो, दूसरे के धर्म के पेड़ को काटने जाओगे तो अपने धर्म का जो पेड़ है उसके पास कौन है, वो तो आसानी से उखड़ जाएगा। इसलिए अपने अपने धर्म अपने अपने मजहब के अनुसार, मैं तो यही कहूँगा, भगवान बड़े दयालु हैं और परमात्मा का आपने जो शरण ली है बस उसमें आप अपना विश्वास रखो, श्रद्धा है विश्वास है प्रेम है तो आपकी मंजिल जरूर मिलेगी आपको। आज कई बार क्या होता है शहीदों के परिवार जो है सरकार द्वारा उपेक्षित कर दिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या उनको भी कोई सहयोग करते हैं आप? देखिए हमारी तरफ से जो होता है वो कर पाते हैं, बाकी इस तरीके से अभी हमारे से हम अपने आप को सक्षम नहीं मान रहे हैं नहीं, लेकिन हम जितने हैं हम वही करते हैं, क्योंकि मैं साधु हूँ आपने जैसे बोला, तो साधु को धर्म के साथ देश प्रेम के साथ देशभक्ति के साथ जोड़ करके मैं चल रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को तीर्थों में ले जाता हूँ जो मेरी फैमिलियाँ हैं ये शहीदों की, और अभी हम लोग एक फैमिली हो गए हैं, अभी कम से कम 13 वर्षों से हम लोग साथ में रहते हैं, तो इस तरीके से हम तीर्थों में ले जाते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं, उनका कोई खर्च नहीं होने देते। हाँ उन्हें कोई अगर कोई परचेज करना है, कोई चीज़ उनको शॉपिंग करनी है तो वो अपने पैसों से करते हैं, बाकी लाना ले जाना उनको खर्चा रहना उनको नहीं करने देते हैं। बाकी उनको कोशिश करते हैं कि जिन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया है उनको क्या दे सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि उनकी जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो पूरी नहीं की जा सकती वो तो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ ये है कि उनके जैसे बच्चे हैं उनको बहुत ज़रूरत है एजुकेशन की पढ़ाई की, तो वो सरकार को चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से करे, होना चाहिए होना चाहिए। और कभी वो बीमार हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल से उनकी मतलब ये इस तरीके से दवाई की व्यवस्था और उनका इलाज होना चाहिए। ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक भगवान चलाएंगे, अब ये तो चलेगा वैसे ही जैसे भगवान की इच्छा होगी, तो संकल्प तो लिया हुआ है कि जब तक भगवान हमारे को रखें तो ये काम हमसे जरूर करवाते रहें।